डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस नवम पाठः सेनानी सुभाषः, कक्षा सप्तम, अव्यय प्रयोगः। सेनानी सुभाष जो है अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों को सेनानी जो सुभाष है, अव्यय शब्द का प्रयोग, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, अध्ययन करा चुका हूँ। तो ओपन कीजिएगा, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से सुनते रहिएगा, कहानी के तौर पर सुनिएगा, तो अच्छे से आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो अच्छे से स्टडी कीजिए। मैं आप लोग को सेनानी सुभाष कैसे थे, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के लिए कैसे बलिदान किए, क्या क्या के रूप में वो कार्य किए, अपने देश के लिए कैसे आज़ादी दिए, इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रशिक्षिका। प्रशिक्षिका संवाद के माध्यम से बताया गया है। प्रशिक्षिका देख सकते हैं यहाँ पर, प्रशिक्षिका एतत् कस्य चित्रम, इनकी जो वाक्य है, यहाँ पर वाक्य की बात की गई है, इनके बारे में बात की गई है। एतद् यह कस्य किसका चित्रम, चित्र है, यह किसका चित्र है, तो बताया जा रहा है राजीव जो बात करते हैं, वहाँ पर राजीव बोल रहे हैं, राजीव एतद् सुभाष चंद्रस्य चित्रम अस्ति, यह सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र हैं, या फिर बोल सकते हैं यह सुभाष चंद्र का चित्र है। प्रशिक्षिका बोल रहे हैं कि सुभाष चंद्र किम अकोरत, सुभाष चंद्र किम क्या अकोरत करते हैं, सुभाष चंद्र जी या फिर सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, या फिर किम मतलब होता है क्या, किम मतलब होता है क्या करते हैं, या फिर कौन थे, सॉरी यहाँ पर बताया गया किम मतलब होता है कौन, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। अहमद महाशय श्रीमान सह स्वतंत्रता सेनानी का आशित, सह देशम स्वतंत्रम अकोरत, श्रीमान जी वह स्वतंत्रता सेनानी थे, वह देश के लिए स्वतंत्र हुई, सह मतलब होता है वह, देशम देश के लिए स्वतंत्रम आज़ाद हुई, ये चीज़ बताया गया है। प्रशिक्षिका नीचे वाला पॉइंट देखिएगा, प्रशिक्षिका के बारे में बताया गया है कि प्रशिक्षिका क्या बोल रही है वहाँ पर, टीचर और प्रशिक्षक जो टीचर्स हैं वहाँ पर, कुछ बच्चे हैं वहाँ पर, उनकी बीच में बात हो रही है, संवाद हो रही है, यहाँ पर प्रशिक्षिका बोलती है साधु साधु किम युवम अन्याय स्वतंत्रता सेनानिका नाम अपि जानित, साधु साधु क्या बोला जा रहा है, साबास साबास क्या तुम एवं तुम सब जानते हो अन्य स्वतंत्रता सेनानी को भी, यहाँ पर अपि मतलब होता है भी, जानित मतलब होता है जानती हो, स्वतंत्रता सेनानी का नाम अन्याम तुम क्या तुम सब अन्य स्वतंत्रता सेनानी को भी जानते हो, यह पूछा जा रहा है। तनाजह जानी महोदय जानते हैं श्रीमान बोला जा रहा है, कौन बोलता है, तनाज बोलते हैं, जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर वटुकेश्वर दत्त सुखदेव उधम सिंह राम प्रसाद बिस्मल्ला इत्यादि देह अनेक स्वतंत्रता सेनानी का स्वतंत्रता ने स्वप्राणम अत्यजन, यहाँ पर बताया कि जानते हैं महोदय जानते हैं श्रीमान, जैसे भगत सिंह के नाम को, चंद्रशेखर के नाम को, सैनानिक जिन्होंने अपने प्राण को अपने देश के लिए स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता सेनानिक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता हुई, स्वप्राण अपने प्राण की बलिदान दे दिए, किन के लिए, भारत देश के लिए,
यह चीज़ बताया गया है। मैंने आपको सेनानी सुभाष के परिचय के बारे में बताया कि ये कौन हैं, कैसे हैं, यह किसका चित्र है, यह सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए स्वतंत्र किए, कि तुम अन्य स्वतंत्रता सेनानी के नाम को भी जानते हो। तनाज वहाँ पर बोलती है कि जानते हैं महोदय, जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी के नाम के बारे में जानकारी दी है हमें। तो मैंने आपको कुछ स्वतंत्रता सेनानी के नाम के बारे में भी बताया जिन्होंने अपने प्राण बलिदान दिए हैं अपने देश के लिए। देखिएगा यहाँ पर कुछ इमेज दिए हुए हैं, इमेज के माध्यम से आप कुछ पार्ट्स को भी अध्ययन कर सकते हैं। जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे इमेज को देखिएगा, इमेज देखने के बाद बहुत सारी ऐसे डाउट्स जो होती हैं वह क्लियर हो जाती हैं। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, विद्यालय गणतंत्र दिवस आयोजित, विद्यालय में गणतंत्र दिवस आयोजित होते हैं। सैनिक छात्राः एनसीसी छात्राः तेषां प्रशिक्षकः च मंचे तिष्ठन्ति। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, कुछ सैनिक एनसीसी के जो छात्र हैं, एनसीसी के ये जो छात्र दिख रहे हैं आप लोग को, एनसीसी के छात्र भी हैं, है ना, सैनिक छात्र एनसीसी के छात्र जिसको बोला जाता है, तेषां प्रशिक्षक का, यहाँ पर प्रशिक्षक भी मंच पे हैं और मंच पे तिष्ठन्ति, यहाँ पर मंच है, ये जो मंच है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विराजमान हैं ये लोग, ये बताया गया है। वस्तुतः सुभाष चतुरः नीतिपटुकः चासीत्। शोभनम वस्तुतः सुभाष चतुर नीतिपटुक चासीत, कि जो सुभाष हैं चतुर होते हुए नीतिपटुक होते हुए भी बहुत ही समझदार थे सुभाष चंद्र बोस, ये चीज़ बताया गया है। तस्य गर्जनी तस्य मतलब होता है उसकी, गर्जनी आंग्ल प्रांगेण भयभीता भुवन, उनके गर्जने से आंग्ल प्रांगण उनके भाषण देने से भयभीत होते हैं बताया गया है। अन्य स्वतंत्रता सेनानिकास्तु आंग्ले सह युद्धे हताः निगृताः वा परम सुभाषं बहु भीह प्रत्यन्यरपि आंग्लयाः निगृहीतुं ना प्राभवान् मतलब होता है समर्थ देते हुए। हताः मतलब मारे गए और पकड़े गए जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ ऐसे सेनानी जो युद्ध में क्या गए, मारे गए और निगृहीतः और पकड़े गए, जो कि सुभाष चंद्र बोस जो है प्रयत्न करते हैं कि आंग्ल निगृहीतुं प्राभवान् और उन्हें छुड़वाने के लिए क्या करते हैं, समर्थ करते हैं। सुमेधा कथमेत कहिए, ये चीज़ बताया गया है उनके बारे से। तो अगले जो पेजेस पलटिएगा, पेज नंबर 49 में देखिएगा, 49 में दिए हुए हैं प्रशिक्षिका महोदय, वहाँ पर बात करते हैं कि वस्तुतः सह महाभाग है बाल्ये वयसी एवं आंग्लेय विद्यालय पठन भारतीय प्रति तेषां द्वेषणाम द्वेष भाग बाल्य अवस्था में होती हुई वयसी बाल्यावस्था में होती हुई भी विद्यालय में पढ़ने इतने हुए विद्यालय में बाल्यावस्था में होती हुई विद्यालय में पढ़ती हुई भारत के प्रति और दूसरे के प्रति उनकी जो व्यवहार का अनुभव किया, उन्होंने दूसरों के प्रति भी क्या किया, व्यवहार का अनुभव किया। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने बाल्यावस्था में छोटी अवस्था में पढ़ते हुए विद्यालय में पढ़ते हुए भारत के प्रति और द्वेषपूर्ण दूसरों के भी प्रति भी उन्होंने क्या किया, व्यवहार का अनुभव किया। सह कदा यहाँ पर देख सकते हैं, सह कदापि तेषां दुर्व्यवहारम नाशयत प्रबलम विरोधम चाकरोत मतलब क्या बताया गया वहाँ पर करते हैं, नास्तम सहन नहीं किया, सह मतलब होता है वह, कदापि मतलब होता है कभी भी, वह कभी भी दूसरों से दुर्व्यवहार नहीं कर दिया, प्रबल विरोधम चाकरोत और सहन करते हुए दुर्व्यवहार को, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और दूसरों के प्रति प्रबल
रहते हुए प्रबल विरोध करते हुए सहन किए चाकरोत। अतः तस्मादेव कालात आंग्लभ्य दुर्भयन सह निश्चित करोत यदहम आंग्लयान देशाम निष्कास्यामि कदापि च देशाम हस्तगतो न भविष्यामि इति। यहाँ पर कुछ चीज बताया गया है, देख सकते हैं कि देश के लिए उन्होंने द्रोह करते हुए अपने देश के लिए दूसरे देशों से क्या किया, द्रोह करते हुए निश्चित किया कि मैं देश के लिए कभी भी कदापि इति। इस प्रकार नीलिमाः सुभाष चंद्र महोदय आजाद हिंद सेनानः स्थापनाम अपि करोत। देख सकते हैं नीलिमा जो बोल रही है कि सुभाष चंद्र महोदय आजाद हिंद सेनानी की स्थापना करते हैं, आस्थाप स्थापना भी किए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेनानी की स्थापना किए। देख सकते हैं आप इमेज में दिया हुआ है, कुछ आंग्ल रूप से भाषण दे रहे हैं, कौन वहाँ, सुभाष चंद्र बोस। तो प्रशिक्षक महोदय वहाँ पर बात करते हैं, प्रशिक्षक महोदय जी बता रहे हैं कि प्रशिक्षक जो महोदय हैं सम्यक कथितम ठीक कहा, किसने ठीक कहा, सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दे रहे हैं सम्यक कथितम कि ठीक कहा बोलते हैं। यदा असो वेशम परिवर्त भारत देव विदेश अगच्छत तदा निश्चितम निश्चनोतम यदहम विदेशभ्य यम भारत सेवाम करिष्यामि इति। ठीक कहा बोल रहे हैं कि यदा जब उसने भारत के प्रति विदेश से लौटकर आते हुए निश्चय किया कि मैं विदेश से आकर मैं भारत देश की क्या करूँगा, सेवा करूँगा, भारत देश की सेवा करने के लिए निश्चय किया उन्होंने। अतः सह सिंगापुरे आज़ाद हिंद सेनानायाः संगठनम् करोत्। अतः वह सिंगापुर में आज़ाद हिंद सेनानी की संगठन किए, आज़ाद हिंद सेनानी के संगठन किए, कहाँ, सिंगापुर में आज़ाद हिंद सेनानी के संगठन करते हैं। तात्कालीन तस्य समुद्रबोधनम इत्यादि देशवासिनम हृदयशु अग्नि स्फुली तात्कालिक रूप से क्या किया, संबोधन करते हुए, समुद्र बोधन करते हुए अपने देशवासियों को हृदय में लेकर अग्नि स्फुलिंगानी आग की तरह चिंगारी के रूप में प्रज्वलित किए। तस्य संदीपानी अक्षराणी आसन यत, तस्य उसने कुछ अक्षर में श्लोक बले संदीपानी ज्वलंत हुए भाषण दिए। कैसे भाषण दिए देख सकते हैं, यह भाषण याद रखिएगा आप लोग कि ये जो कुछ अक्षर में स्वर दिए हैं, एवं मह्यम रक्त यच्छत रक्तम यच्छत अहम योषभ्यम स्वतंत्रतायाम दास्यामि, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस की नारा है। एवं तुम मह्यम मुझे रक्तम यक्षत, यक्षत मतलब होता है देना, तुम मुझे खून दो अहम मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया कि भाषण को संबोधित किए। सर्वे छात्र की बात की गई है, धन्य आसितः सह महापुरुषः एतादृशां महापुरुषः नमः, धन्य है ऐसे महापुरुष को, धन्य है ऐसे श्रीमान को जिन्होंने हमारे देश के लिए, ऐसे महापुरुष को नमो नमः जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने जीवन समर्पित किए बोला गया है। तो सभी छात्रों ने कुछ सेनानी सुभाष के चित्र के बारे में बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने कैसे कैसे बलिदान दिए, किस कारण से अपने आप को अपने देश के प्रति आग्रहित किए, इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि आप इमेज के माध्यम से आगे नेक्स्ट क्लासेस में उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और कुछ इसके एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, कुछ आप लोग शब्दार्थ को याद रखिएगा, शब्दार्थ में दिए हुए हैं कुछ कुछ
हंता मारे गए, प्राभवन समर्थ हुए, वससी आयु में पठन पढ़ते हैं, नासयत सहन नहीं किया। ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, बुक शुभ को देखिए। तो नेक्स्ट पेजेस में देखिएगा, पेज नंबर 50 में देखिए, पेज नंबर 50 में बात की गई है कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में बात की गई है। मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में बात की गई है कि शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। यहाँ पर शुद्धम विकल्पम प्रथमा नंबर, सुभाष कम स्वतंत्रम अकोरत, सुभाष चंद्र बोस ने किसके लिए अपने आप को स्वतंत्र किए, तो किसके लिए किए, देश के लिए। स्वतंत्रता सेनानी कह स्वतंत्रता कान आत्यजन, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी कान अत्यजन, मतलब अपने देश के लिए अपने स्वतंत्रता सेनानी ने क्या दिए, क्या दिए, तो प्राणम, प्राण को आहुति दे दिए। थर्ड नंबर पर बताया गया है सुभाषस्य गर्जनय के भयभीता अभवन, जब उन्होंने भाषण दिया तो किसके लिए भाषण दिया, आंगला वहाँ के जो देशवासी को हैं लिए क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिए। फोर्थ नंबर में बताया गया है आंग्लह कह निगृहतम ना प्रभावत, आंग्लह जो है आंग्लह कह निगृहतम भगत सिंह सुभाषम राजगुरुम सुखदेवम, तो आंग्ल निगृहतम प्रभावान, प्रणाम आंग्लम, उसके बाद सुभाषम, उसके बाद है फाइव नंबर सुभाष चंद्र आज़ाद हिंद सेनानी संगठनम कुत्र अकोरत, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद के संगठन का कहाँ किए थे, कहाँ पर स्थापना किए थे, कहाँ पर किए थे, सिंगापुर में आज़ाद हिंद सेनानी की स्थापना किए थे। मैंने आपको शुद्ध लिखन के शुद्ध विकल्प चित्वा उत्तर के बारे में मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में बताया, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, पूर्ण वाक्य ने उत्तर दिया, पूर्ण वाक्य ने उत्तर दिया इसको मैं क्या करूँगा, आप लोग को नोट्स के माध्यम से आप लोग को मैं ग्रुप्स में भेजूँगा, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। उसके बाद कुछ थर्ड नंबर दिए हुए हैं, थर्ड नंबर में देख सकते हैं कुछ मंजूषा दिए हुए हैं, मंजूषा के माध्यम से आप लोग इसको भरने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोग को कुछ टिक्स दे दे रहा हूँ, आप लोग भर सकते हैं, जैसे अनेक जन आंग्ले ब्लैंक्स युद्धे हतः, खाली स्थान युद्धे हतः, कि यहाँ पर कुछ जन के बारे में बताया गया है कि सह को आप लोग वन नंबर लिखिएगा, अधुना टू नंबर में आएगा, थ्री नंबर पे आपका आएगा किमर्थम, थ्री नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आएगा आपका कदापि, और फाइव नंबर पे आएगा आपका यदा तदा, फाइव नंबर, और सिक्स नंबर पे आएगा नमः, सेवेंथ नंबर पर आएगा आपका अदियापि। तो आप लोग भरने की कोशिश कीजिएगा इसको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, मैं आपको नंबर्स दे दिया, आप लोग अच्छे से इसको देखिए और अपने बुक्स में फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ नंबर शुद्धम अव्यम पदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, आपको क्या करना है, यहाँ पर शुद्ध विकल्प जो पद दिए हुए हैं, अव्यय के पद दिए हुए हैं, उसको चुन कर क्या करना है, आपको वाक्य को पूरा का पढ़ रहा है, वहाँ पर बताया गया है कि मोहन अभी पाठ को नहीं पढ़ता, तो यहाँ पर ना न शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर न शब्दों का आप लोग भरेंगे, न शब्द को भरिएगा, कुछ शब्द दिए हुए हैं न शब्द को भरिए, सोमेश खाली स्थान मित्र सह क्रीडता, सोमेश जो है उनके मित्र के साथ खेलता है, तो अपी, अपी मतलब होता है भी के साथ, सोमेश भी मित्र के साथ खेलता है, राम श्याम खाली स्थान धावतः, राम और श्याम, तो च, राम और श्याम च लग जाएगा यहाँ पर, है ना। यथा देशः भवति खाली स्थान वेशः अपि, मतलब यथा जैसा देश होता है वैसा वेश होता है, तो जैसा जैसा देश होता है वैसा वेश होता है बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, जैसा देश वैसा वेश, इसको आप लोग क्या करेंगे, छोड़ दीजिएगा, अपवाद में रखिएगा इसको, मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। महेश रुग्ण खाली स्थान विद्यालय न गच्छत,
इन दोनों को आप बाद में रखिएगा क्योंकि ये कन्फ्यूज है थोड़े सी इस क्वेश्चंस में, तो बाद में देखेंगे इसको। फाइव नंबर पे आ जाइएगा, विलोम पदानि मिलयत, जो विलोम पद है यहाँ पर बताया गया है, विलोम पद को आप कैसे मिलाएंगी। विलोम पद को मिलाने के लिए मैं आपको टिक्स बता दे रहा हूँ, देख सकते हैं कि गौरांगा विलोम पद, विलोम पद आप समझते होंगे, पर्यायवाची शब्द समझते होंगे, सेनोनेम्स और एंटोनेम्स को बोला जाता है। तो यहाँ पर विलोम पद उसके जस्ट ऑपोजिट वर्ड को बोला गया है, विलोम शब्द, गौरांगा, बाली, विरोधाम, द्वेषपूर्णम, अधुना, भारतीय, तो उनके विलोम पद क्या हो गए यहाँ पर देखिएगा, विलोम पद की बात की गई है, गौरांगा के क्या हो जाएगा विलोम पद, कृष्णांगा, गौरांगा का क्या हो जाएगा कृष्णांगा, बाली, बाली का क्या हो जाएगा वार्धिकी, वार्धिकी हो जाएगा, विरोधम, विरोधम का क्या हो जाएगा समर्थनम, विरोध करना, समर्थन करना, विरोध करना किसको बोलते हैं, समर्थन करना को बोला जाता है, द्वेषणम, द्वेष करना, स्नेहपूर्ण, द्वेषणम स्नेहपूर्ण की बात की गई है, अधुना अब, तो अधुना का क्या बोला जाएगा है पूरा, भारतीय तो विदेशा। तो इस प्रकार आप लोग भरने की कोशिश करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, एंड जो नीति श्लोक की माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था नीति श्लोक के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और कुछ रिविजन टेस्ट को अच्छे से दिलाइएगा। रिविजन टेस्ट आप लोग की स्टार्ट होगी तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ इसके आगे के बारे में, या अभी भी आगरण के बारे में स्टडी करेंगे। बाय बेटा।